गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर शहनवाज अली। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये बीपीएससी द्वारा रिलीज़ किया गया एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिस है, नोटिफिकेशन नहीं, एक नोटिस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नोटिस है। कुछ स्टूडेंट, कुछ एस्पायरेंट्स के लिए ये खुशखबरी लेके आया है और कुछ के लिए दुख भरी कहानी, एक तरह से कुछ दुख भरी इन्फॉर्मेशन लेके आया है। दुख भरी उनके लिए है जो रट्टा मार स्टूडेंट कह सकते हैं उनके लिए। खैर, अपने जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। ये इतना बड़ा चेंजिंग हुआ है बीपीएससी के सिलेबस में, पैटर्न में, तो इसी के बारे में अभी देखेंगे। मैं आपको नोटिस पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, पिला दूंगा नोटिस को। आप बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपका जो नोटिस दिख रहा है, इसमें सबसे ऊपर बोल्ड बोल्ड में दिख रहा होगा, नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल 150 क्वेश्चन। इन दिस केस देयर विल बी वन मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर द रॉन्ग आंसर। फ्रेंड्स, नोटिस को डिटेल में पढ़ेंगे, सब मोटी मोटी बातों में एक तरह से समरी बता दूँ इस नोटिस का, कि इसमें बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को ला लिया है। उन्होंने एक तरह से फाइनल कर दिया है नेगेटिव मार्किंग, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चेंजिंग उन्होंने मेंस में किया है। मेंस में क्या किया है उन्होंने, कि अब जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, इससे पहले सब्जेक्टिव होगा। साथ ही साथ उन्होंने इसमें एक निबंध यानी एसए का पेपर ऐड कर दिया है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बना दिया इन चीज़ को। ज़्यादातर एस्पायरेंट्स के लिए ये अच्छी बातें होंगी, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आती थी कि ये मेंस को लेके, जिसमें ऑप्शनल में कोई कोई अच्छे नंबर ला के लीड ले लेते थे, यानी टॉपर का लिस्ट देखते थे इससे पहले, कुछ तो वो कुछ खास सब्जेक्ट वाले ही टॉपर रहा करते थे। तो देखते हैं अब इस नोटिस को डिटेल में, कि नोटिस सबसे पहले ही देख सकते हैं ये नोटिस कहाँ से आई है। नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, 68वीं के संदर्भ में ये मिली नोटिस है। अब इससे आगे ऑलरेडी रहेगा ही। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन खंड का 8 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग के द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थी से प्राप्त मंतव्य, नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चन, इन दिस केस देर विल बी वन मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर द रॉन्ग आंसर। यानी ये एक तरह से पोल किया था, इन्होंने ओपिनियन मांगा था, तो ज़्यादातर स्पायरेंट्स का यही ओपिनियन था, इसीलिए इनको माना है वो कि 150 क्वेश्चन पे ये नेगेटिव मार्किंग देंगे 1/4 का। यानी एक क्वेश्चन सही होने पे आपका एक मार्क्स मिलेगा, अगर वो गलत हो गया तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप उसका आंसर नहीं देंगे तो उस पर कोई आपका मार्किंग नहीं होगा। तो उनके बारे में बता दिया क्या क्या प्रोसेस है। प्रत्येक प्रश्न जिसके अभ्यर्थी गलत उत्तर अंकित किया गया, 1/4 मार्क्स दंड स्वरूप घटाया जाएगा। दूसरा में बोल रहा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 मार्क को डिडक्ट किया जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। यानी आपने छोड़ दिया तो आप उसके लिए ना ही मार्क्स मिलेगा और ना ही मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। अब आते हैं दो नंबर में, देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। कंडिका 8 मुख्य विभाग में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या, ये स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या, ये देखिए बार बार इसके लिए आवाज़ें उठती रही। स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, इनको मेन ऐसे समझते हैं कि जैसे मैथ वाले स्टूडेंट जिसका ऑप्शनल मैथ है, या ज्योग्राफी या और भी कुछ, ज्योग्राफी को हटा भी सकते हैं, मेनली मैथ की मैं बात करूँ, तो उसमें होते थे क्या कि ऑप्शनल में ना बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर ले आते थे, तो इससे और जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं या और भी कुछ, और जो लिटरेचर वगैरह पेपर है, तो उस कितनों लिखे उनका मेंस में ऑप्शनल पेपर में उतना मार्क्स नहीं आ पाता था जितना इस तरह के सब्जेक्ट वालों का होता था। तो क्या होता था कि इसमें ऑलरेडी जब टॉपर को देखे हैं, यानी उनके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता था, तो यही नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग की ये प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ है कि ऑप्शनल को इन्होंने एक तरह से MCQ टाइप कर दिया है, यहाँ आगे देख लेंगे, और साथ ही साथ इसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया। अब इसका मार्क्स नहीं ऐड होगा मेरिट में आपका।
संशोधित परीक्षा की संरचना निम्न प्रकार है, क्या क्या है? सामान्य हिंदी आपका 100 मार्क का, 3 घंटे का, ये भी क्वालिफाइंग है। आपका सामान्य अध्ययन पत्र 1, सामान्य अध्ययन पत्र 2, ये दोनों सेम उसी तरह रहेंगे जैसे थे, ठीक है। अब एक जो नया पेपर ऐड हुआ है, इसमें निबंध का पेपर देख सकते हैं, 300 अंक का है निबंध का पेपर और ये 3 घंटे का है। इनमें वो UPSC की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं, वैकल्पिक विषय MCQ आधारित 100 अंक और 3 घंटे। आप जो भी ऑप्शनल लेंगे वो 3 घंटे का ये MCQ टाइप होगा। सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक अनिवार्य होगा, ठीक है, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजन में इनकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस से देखना है कि न्यूनतम जो प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी अब आपका ऑप्शनल मेंस में मेरिट डिसाइड करने में उसका कोई रोल नहीं है, ऑप्शनल का आपका सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। आगे देखा जाए नोटिस, आगे बोला जा रहा है, ध्यान तो रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति उक्त व्यक्तित्व विषयों में क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम हर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब 68वीं का जो 20 आज ही लास्ट डेट था इनका, इनका एक तरह से डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका पहले डेट क्या था, लास्ट डेट 20/12 था, अब इसको एक्सटेंड करके 30/12 कर दिया गया है, विस्तारित तिथि। आगे देखते हैं नोटिस में क्या है कि पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद इस दिन तिथि के बाद 10 दिन दिनांक 10/1/2023 तक, यानी 30 को ख़त्म होगा, 10/1/2023 तक का समय दिया जाएगा एडिट करने के लिए। उपयुक्त विज्ञापन संबंधी विस्तृत सूचना जानकारी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिनांक वेबसाइट, आपको ये इस पर विजिट करते रहना। दिनांक 18/11/2022 को 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा तथा विज्ञापन की अन्य सभी निर्देश एवं शर्त पूर्ववत रहेगी। जो अभी जो चेंजिंग किया बस यही, बाकी उनके अलावा जो भी रूल रेगुलेशन वगैरह जो भी था सब वही रहेगा आपको। तो होप इस वीडियो को आप लोग को पसंद किए होंगे। BPSC से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फिगर जो भी हो, नोटिस वगैरह, मैं आपके सामने लाते रहूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस हो, और साथ ही साथ ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने ही रखूँगा, कोई फेक न्यूज़ नहीं आएगी आपके साथ आपके पास। और BPSC से जुड़े कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी हो, आप किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आप कमेंट में बोल सकते हैं किस तरह का कंटेंट चाहिए, BPSC से रिलेटेड क्या करूँ, क्योंकि BPSC से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके सामने ज़रूर लाते रहूँगा, साथ ही साथ कुछ कंटेंट वगैरह भी लाते रहूँगा आपके सामने। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते किए हैं तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।